नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम निफ्टी और निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए और जो स्टॉक्स निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, निफ्टी ने आज भी जो क्लोजिंग दी है वो भी क्लोजिंग अपने पिछले लो के ऊपर ही जाके दी है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि हम इस कंडीशन को या निफ्टी के प्रॉफिट को तब कट करेंगे, तब हम स्टॉप लॉस यहां पे ले लेंगे या प्रॉफिट बुक कर लेंगे जब ये किसी भी दिन पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज करेगा। तो आज भी इसने पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं किया है, तो कल के लिए भी जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो रहेगा, इसके लो के नीचे क्लोज कर देगा तो आप यहां से प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। क्योंकि कंटिन्यू पिछले 10 दिनों से हम ऊपर की प्राइस पे ही जाके क्लोज कर रहे हैं और किसी भी दिन हम पिछले डे के लो के नीचे हम क्लोज नहीं कर रहे। तो यहां पर नजर बना के आप रखिएगा, जब भी इसके नीचे क्लोज करता हुआ दिखे यहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। देखिए, यहां पे अब जब निफ्टी की आज की जो ओपनिंग हुई है वो हुई है 13488 पे, हमने हाई लगाया है 13503 का और जो आज का हमारा लो लगा है वो लगा है 13399 का। हमने क्लोजिंग आके 13478 पे दे दी है, यानी लो से लगभग 80 पॉइंट रिकवर होके हमने आके यहां पे निफ्टी पे क्लोजिंग दी है। तो ये एक्सपायरी थी आज, तो एक्सपायरी में वोलेटिलिटी बनी रहती है, तो नीचे की साइड में वोलेटिलिटी बनी थी। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में ही आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में बता दिया था कि एक्सपायरी गेम हो सकता है। क्लोजिंग जाके ऊपर की साइड में हुई है तो लोगों को लगेगा कि ऊपर निकलेगा मार्केट, लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपन होके नीचे की तरफ यहां पे मूव कर दिया था। अब कल की वीडियो में मैंने यही बताया था कि अगर मार्केट 255 के ऊपर निकलता है, सॉरी 13555 के ऊपर निकलता है तब हमारा टारगेट यहाँ पे 13580 और उसके बाद में 13620 का रहेगा। लेकिन नीचे की साइड में भी मैंने आप लोग को यही बताया था कि जैसे ही हम 13490 के नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो हमारी नीचे की साइड में मूवमेंट बनेगी और हम उसी प्राइस के आसपास ओपन हुए और वहां से हमें जो हमारे दोनों टारगेट थे वो टारगेट यहाँ पे अचीव होते हुए हमारे दिखे। जबकि मेरा लास्ट टारगेट शायद 13430 के आसपास का था, दोनों टारगेट यहां पे फटाफट आपके अचीव होते हुए बन गए। अब ये हो गई कल की बात। अब कल के लिए हमें नेक्स्ट डे के लिए क्या करना है, यानी फ्राइडे के लिए हमारा व्यू क्या होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फ्राइडे के लिए हम जो ये गैप बना के गए हैं, ये गैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम 13500 के ऊपर सस्टेन करें थोड़ी देर। अगर 5 से 7 मिनट हम 13500 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर हमारा टारगेट 13540 और उसके बाद फिर 13580 का यहां पे रहेगा। अगर हम नीचे यहीं पे ओपन होके इसको ऊपर की तरफ जाते हैं तब की बात कर रहा हूं। अगर हम 13500 के ऊपर ही ओपन होते हैं तो फिर आराम से थोड़ी देर वेट कीजिए, कंसोलिडेट होने दीजिए। कंसोलिडेट के बाद जिस रेंज को ब्रेक करेगा उस साइड में हम ट्रेड करेंगे। ये हो गई ऊपर की साइड की। नीचे की साइड में हम सेल तभी करेंगे जब हम 13450 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, यानी जब तक हम 13450 के नीचे ट्रेड नहीं करेंगे कल के सेशन में हम सेल नहीं करेंगे। 13450 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तब हम यहां पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि पहला टारगेट हमारा होगा 13410 का और उसके बाद 13370 के टारगेट के लिए हम यहां पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, 13400 के आसपास में ये आके सपोर्ट ले सकता है, इसीलिए मैंने 13410 का टारगेट यहां पे पहला आपको बताया हुआ है निफ्टी में। तो ये हो गई निफ्टी में। और डेली चार्ट में कहीं पे कोई भी वीकनेस अभी भी निफ्टी में दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, बस स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करके रखना है कि लास्ट डे के लो के नीचे क्लोज करेगा तो निकल जाइएगा यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे बने रहिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए प्रॉफिट को लॉक करते रहिए यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं कि निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद करेंगे। पहला स्टॉक यहाँ पे अदानी पोर्ट, देखिए 2-3 के कंसोलिडेशन के बाद फिर से आज ऊपर की साइड में यहाँ पे मूव करता हुआ दिखा है। तो कल ध्यान इस पे नजर बना के रखिएगा, 475 के ऊपर निकलता है तो एक मूवमेंट यहाँ पे फिर से कल जनरेट हो सकती है। एशियन पेंट कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए चला जा रहा है, तो यहाँ पर एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जो हमने टारगेट दिया था वो टारगेट लगभग अचीव हो चुके हैं यहाँ पे। बजाज ऑटो कंसोलिडेट कर रहा है, अभी कुछ मत कीजिए। बजाज फिंसर में भी कुछ नहीं करना है। बजाज फाइनेंस भी रेंज बना रहा है, इस रेंज के अपर एंड को जब ब्रेक करेगा बजाज फाइनेंस तब हम इसको देखेंगे। भारतीय एयरटेल कंसोलिडेट कर रहा है, टारगेट यहाँ पे 520 का है हमारा। BPCL की देखिए, BPCL 4-5 दिनों से लो तो बिल्कुल सेम बना रहा, हाई भी सेम बना रहा, तो मेरे ख्याल से अगर हाई साइड में ब्रेक करता है तो शायद यहाँ पे आपको फिर 410-412 की मूवमेंट यहाँ पे दिख सकती है। ब्रिटानिया ने देखिए आज जबरदस्त मूवमेंट की थी, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि इसके ऊपर स्टैंड लाइन के बाद जो निकलेगा तो एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है। तो ब्रिटानिया पे कल नजर बना के रखिएगा, शायद इसके हाई को ब्रेक करे कल तो शायद 3830 के पास तक ये जा सकता है। सिप्ला कुछ नहीं करना है, कोल इंडिया टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। डिवीज लैब में कुछ खास नहीं मूवमेंट हो रही है। डॉक्टर रेड्डी जैसा कि स्टॉप लॉस मैंने बताया है कि 4950 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे रह सकते हैं। आइसर मोटर देखिए नीचे की साइड में रेंज को ब्रेक कर रहा है तो अभी ब्रेक करने दीजिए। कल अगर शॉर्ट करना है तो आज के लो के नीचे जाता है तो कल यहाँ पे आपको 20 से 22 पॉइंट मिल सकते हैं।
गेल में अभी कुछ मत कीजिए, वेट कीजिए। ग्रासिम में प्रॉफिट बुकिंग करवा दिया है। एससीएल टेक्नोलॉजी इस 880 के ऊपर अगर क्लोज करेगा तो फिर यहाँ पे हमें 920 के टारगेट मिल सकते हैं। तो जिस दिन 880 के ऊपर क्लोज करता हुआ दिखे, 870 का स्टॉप लॉस लगाइए और पोजीशन बनाइए 920 के टारगेट के लिए। दोस्तों, अगर आप भी हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और आप फ्री ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग या आप स्टॉक में से किसी एक में अकाउंट ओपन करना है, और अकाउंट ओपन होने के बाद अगर आप एक्टिव होकर उसमें ट्रेड करते हो तो आप हमारे फ्री ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और उसके साथ ही आप हमारे लाइफ टाइम सपोर्ट ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगला स्टॉक है HDFC लिमिटेड। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वेट करना है। HDFC लाइफ में भी मुझे कुछ खास अभी नज़र नहीं आ रहा है, जब तक इस ट्रेंड लाइन की एक ट्रेंड लाइन बनेगी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा उसके बाद ही मैं HDFC लाइफ को देखूंगा। हीरो मोटो का आप, जैसा कि मैं कंटिन्यू आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बने रहिए। अब स्टॉप लॉस इसका लगा लीजिए आप 3100 का स्टॉप लॉस के साथ फॉलो कीजिए। ध्यान रखिएगा इसके ऊपर अगर 3215 के ऊपर यानी 3215 के ऊपर अगर ये क्लोज करने लगता है तो शायद एक बड़ी मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा इस लेवल, इस स्टॉक्स पर जिस दिन भी 3215 के ऊपर क्लोज करते हुए देखिए पोजिशन बना के लेके जाइएगा। फिर अगर 3215 के ऊपर क्लोज कर देगा तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो 3150 का यहाँ पे ट्रेल हो जाएगा। हिंडाल्को अभी कुछ नहीं करना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए, जबरदस्त मूवमेंट आ रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, और ये शायद अपने हाई को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। देखिए जैसे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया ना, एक जबरदस्त मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुई है। अब ये आ चुका है अपने इस लाइन के आसपास में, तो थोड़ा सा यहाँ पे अलर्ट रहिएगा क्योंकि यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस ले सकता है, लेकिन अगर इसको हाई के ऊपर निकाल के इसके ऊपर ही क्लोज करना और ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो फिर शायद ये 2550 के पास भी जा सकता है। इनफी अभी मेरा कोई व्यू नहीं है, IOC में भी मेरा अभी कोई व्यू नहीं है, वेट कीजिए। ITC देखिए अब ये 205 वाले लेवल को क्रॉस करिए, जैसा कि मैंने कल बताया था कि एक आध दिन रुकने के बाद अगर 205 के लेवल को क्रॉस करके क्लोज कर देता है तो फिर यहाँ पे एक मूवमेंट बन सकती है जो कि इसको 230 235 के आसपास तक लेके जा सकती है ITC को। JSW स्टील अभी कुछ नहीं करना है। LNT धीरे धीरे करके ऊपर की प्राइस पे निकल रहा है, जैसे इसने ये फ्लैग पैटर्न को ब्रेक किया है उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही जा रहा, तो जैसे ही 1200 को निकालेगा एक जबरदस्त मूवमेंट आपको यहाँ पे फिर से देखने को मिल सकती है। M&M में कुछ मत कीजिए अभी, मारुति वेट कीजिए। नेस्ले पे ध्यान रखिएगा, 18500 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर ये 20000 के लेवल टच करने के लिए जा सकता है। NTPC कुछ नहीं, ONGC वेट एंड वॉच कीजिए। पावर ग्रिड देखिए ध्यान से, पावर ग्रिड कंसोलिडेट कर रहा है, एक हायर एंड पे जाके कंसोलिडेट कर रहा है, तो जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए दिखे तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। उस कंडीशन में आपको जो SL लगाना पड़ेगा वो 190 के SL लगा के आप यहाँ पे बाइंग कंडीशन जनरेट कर सकते हैं, जब 200 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा तब। रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी 2000 के ऊपर ही क्लोज है तो यहाँ पे बने रह सकते हैं आप। SBI लाइफ कंसोलिडेट कर रहा, सन फार्मा में कुछ मत कीजिए। टाटा मोटर नीचे की रेंज को ब्रेक कर रहा है, लेकिन अभी हमें देखना है टाटा मोटर के पास ये लाइन पे एक सपोर्ट आपको मिल सकता है, तो देखते हैं 170 के आसपास आके किस तरह से ये ट्रेड करता है। टाटा स्टील जब फ्लैग पैटर्न को ब्रेक करे तो नई पोजीशन यहाँ पे फिर से बनाइएगा, इसी फ्लैग पैटर्न के जो लो कैंडल बनी हुई होगी वहाँ पर हम SL लगा सकते हैं। TCS ब्रेकआउट देके अभी कंसोलिडेट कर रहा है। टेक महिंद्रा भी सेम सिचुएशन बनी हुई है। टाइटन भी देखिए उसी लेवल के आसपास है, ये ब्रेकआउट दे नहीं रहा, 40 के ऊपर जिस दिन क्लोज करेगा फिर ये 1500 के पास तक जा सकता है, यानी 1540 के ऊपर टारगेट इसका, 1440 के ऊपर टारगेट इसका 1500 का रहेगा टाइटन में, और उस कंडीशन में जो SL हम लगाएंगे वो 1400 का लगाएंगे। अल्ट्राटेक यहाँ पे आज गिरावट देखने को मिली है, छोड़ दीजिए। UPL में पता नहीं क्या हुआ, इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है नहीं पता मुझे। विप्रो को छोड़ दीजिए, और जील देखिए 220 का यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार बनी थी, तो मैंने कल की कंडीशन बताया था कि यहाँ पे आपको 2 से 4 रुपये की मूवमेंट बहुत फास्ट देखने को मिल सकती है। नई पोजीशन अब 230 के ऊपर ही बना सकते हैं आप झील के अंदर में। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।